लेटरल मीटिंग भी वहां पर होनी है। लवली, चूंकि आप लगातार हमें सुबह से हम अपडेट दे रहे हैं, वहां जो लोग मौजूद हैं क्या इस दौरे को समझ रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, पर्यटन के लिहाज से क्या लगता है कितना फायदा आज की विजिट से होने वाला है? देखिए, बहुत फायदा होगा पर्यटन के लिहाज से जयपुर। अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप बढ़ रहे हैं। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर सदैव गर्व रहा है, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप परिणाम भी हासिल कर रहे हैं। भारत के आंतरिक कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को और अधिक विस्तार तथा गहराई प्रदान करना है। इसरो के कार्यक्रम के प्रति देशवासियों में जो उत्साह दिखाई देता है, उससे नई आशाओं का संचार हो रहा है। आंतरिक विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नई फोंक दिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। आंतरिक विज्ञान की इन उपलब्धियों से युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्य क्षेत्र बनाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की हमारी वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही है। ठोस आकलन के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि ये असाधारण प्रदर्शन वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगा। ये बात मुझे तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन आप सुन रहे थे। एक बार फिर रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर का, रोड शो में एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है, उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं और जौहरी बाजार ये रोड शो पहुंच चुका है, जहां पर देखिए बड़े बड़े कटआउट यहां पर दोनों नेताओं के हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, और यहीं से जयपुर से ही फ्रांस की और भारत की 25 साल की और आगे की दोस्ती की नींव को मजबूत किया जाएगा। अब ये जो कारवा है धीरे धीरे सांगानेरी गेट तक पहुंचेगा, जहां पर उसका आखिरी पड़ाव होगा। इसके बाद अपने दर्शकों को बता दें कि रामबाग पैलेस में रात्रि भोज है और वहीं पर बायलेटरल मीटिंग, डिफेंस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण, ऊर्जा सेक्टर में कई महत्वपूर्ण समझौते होने हैं और इसीलिए जाहिर तौर पर सभी की निगाह आज जयपुर पे टिकी हुई है। चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं रिपब्लिक डे कल, और रिपब्लिक डे के मौके पर वहां पर उनकी मौजूदगी रहेगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने जयपुर का रुख किया, यहां विजिट और अगवानी करते हुए आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जबरदस्त उत्साह और जोश लोगों के बीच में भी नजर आ रहा है। लवली हमारे संवाददाता लगातार तस्वीरें हमें भेज रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। एक बार फिर हम लवली का रुख करने की कोशिश करते हैं। लवली, आप क्या देख पा रहे हैं, जरा शब्दों के जरिए वहां की जानकारी दीजिए और विस्तार से बताइए। तस्वीरें बता रही है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री के साथ में जो फ्रांस के राष्ट्रपति, उन्होंने जिस तरीके से अभिवादन किया हाथ जोड़ करके, जो राजस्थान की और हमारे देश की पधारो, हमारे देश की संस्कृति, देखिए स्वाभिमान की धरती माना जाता है राजस्थान को, आनमान शान की धरती माना जाता है राजस्थान को। दुनिया देश में अगर बात होती है शहीदों की, शहादत की, तो राजस्थान का नाम नंबर वन पर आता है। तो ऐसे में राजस्थान की परंपराएं जो है, राजस्थान का जो कलरफुल कल्चर है, उसकी एक झलक दिखाने की कोशिश आज की गई है। और इसी के बीच में देखिए प्रधानमंत्री ने जयपुर को इस मायने में भी, कई मायनों में अहम रह जाता है जयपुर, देखिए हाल ही में जयपुर में जो है राजस्थान की सत्ता जरूर प्रधानमंत्री ने अपने चेहरे के दम पर पाई है, तो वो देखना चाहते थे लोकसभा चुनाव से पहले कि आखिरकार क्या चाहती है जयपुर की जनता, किस तरीके से प्रधानमंत्री का अभिवादन
किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर जो है वो राजस्थानी संस्कृति का जो एहसास है वो कराया गया, ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री जो है वो जयपुर को लेकर के वो अब जयपुर उनके मिशन मोड पर आ चुका है। और जयपुर में जिस तरीके से स्वागत सत्कार की परंपरा को अदा किया गया, जिस तरीके से ये तमाम ये तस्वीरें जो बताने के लिए काफी थी कि लोगों की लोकप्रियता थी वो बता रही थी कि वो अपने नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोग कितना उत्सुक थे उनकी एक झलक पाने के लिए, उनकी एक तस्वीर देखने के लिए। और ये लोगों की भीड़ जो ये यहाँ पर जो लोग आए हैं, यहाँ पर जो लोग अलग अलग ड्रेसिंग सेंस में आए हैं, अलग अलग ड्रेस करके भगवा रंग के अंदर आए हैं, वो बता रही है तस्वीरें कि लोगों में जोश है अपने नेता के साथ में। और जो हमारे मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर ना रहे, उनके स्वागत में कोई कोर कसर ना रहे, इसलिए ये तस्वीरें बता रही है राजस्थान की झलक, ये तस्वीरें बता रही है राजस्थान। देखिए फूलों के साथ स्वागत किया जा रहा है, फूल यहाँ पर कि राजस्थान में फूल बरसाकर लोग स्वागत कर रहे हैं। आम लोगों की आप तस्वीर देखिए, दोनों तरफ रोड के लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर दोनों नेताओं को देखने के लिए पहुंचे हुए जी।